MIUI 12 चाइना में तो लॉन्च हो गया, लेकिन इंडिया में सारे डिवाइस को अभी तक नहीं मिला होगा। कुछ कुछ डिवाइस को मिला है और कुछ कुछ डिवाइस जो जो बीटा टेस्टर है उन लोगों को मिला है, लेकिन सभी को तो नहीं मिला होगा। लेकिन आपका अगर नहीं मिला है तो ये वीडियो आपको लिए है। अभी से आप क्या कर सकते, आपका अगर अपडेट नहीं मिला तो आप भी MIUI 12 का जो भी फीचर है आप अपना मोबाइल में डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं 1 वीक से कर रहा हूँ, अच्छा तरीके से वो वर्क कर रहा है, कोई लैग नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है, अच्छा तरीका से काम करते है प्रॉपरली तरीका से। मैं अभी आपको सारे चीज आपको समझने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ, क्योंकि मैं कोई रूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे इंस्टॉल किया और मैं अच्छा से काम कर रहा है। अगर सारे फीचर्स आप जानना चाहते हो तो वीडियो को जरूर लास्ट तक और देखना है, मैं सारे चीज आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पहले पाने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं जो क्या क्या अपडेट दिया है। पहला, जो MIUI सिक्योरिटी एप्स के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ, जो एक ही एप्स के बारे में आज बताऊंगा, जो वो है MIUI सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी एप्स में काफी इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया, उसका लुक पूरा चेंज कर दिया गया, वो सारे चीज में चलिए मोबाइल फोन के ऊपर और सारे चीज उसी जगह में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको बोलना चाहता हूँ, जो जितना दिन तक आप लोगों को मैं बहुत सारा बोला था जो अल्ट्रा बीटा टेस्टर को कैसे इनेबल करना है, उसके लिए शायद हम लोग का MIUI 11 में इनेबल नहीं कर पड़े थे, लेकिन फिलहाल ही आपको दिया गया है MIUI 12 अल्ट्रा बीटा टेस्टर को, वो भी इसी सिक्योरिटी के अंदर आपको मिल जाएगा। सारे चीज आपको लाइव के साथ दिखाने वाला हूँ, बशर्ते वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए मोबाइल फोन के ऊपर और देख लेते हैं। तो चलिए मैं आ गया मोबाइल फोन के ऊपर और पहले देखा देता हूँ जो सिक्योरिटी एप्स में क्या क्या अपडेट मिला है। उसके पहले आपको देखा देता हूँ जो सिक्योरिटी का वर्जन अभी क्या चल रहा है। तो मैं सिक्योरिटी में क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करता हूँ तो ऐप इन्फो में चला जाता हूँ और जाने के बाद देख लेते हैं जो उसका वर्जन क्या चल रहा है। देख सकते हैं इसका जो वर्जन अभी चल रहा है 4.1.0 ऐप इंस्टॉल फ्रॉम पैकेज इंस्टॉलर, ठीक है, इसी प्रकार चल रहा है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। वो जैसे इसको ओपन कर लेता हूँ वो देख सकता है इसको जो इंटरफेस पूरा तरीका से चेंज कर दिया गया। देख सकते हैं जो कस्टमाइज में कितना अच्छा तरीका से ये जो एनिमेशन है बहुत अच्छे तरीके से दिया गया, और शायद देख सकते हैं आपको जो वो लिखा आ रहा ना वो भी कितना तरीका से बोल्ड कर दिया, कितना अच्छा कर दिया, कूल कर दिया, ये अच्छा तरीके से आपको लग रहा है। अगर ऑप्टिमाइज करता हूँ, जैसे ही ऑप्टिमाइज करता हूँ देख सकते हैं कितना अच्छा तरीके से उसके एनिमेशन दिया गया है, ठीक है। ये मेरे को बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, अगर आप लोग का लगा तो जरूर करना, जिस प्रकार से आते तो उसी प्रकार आ रहे थे और ठीक है। और साथ ही साथ आपको देखना जो सिक्योरिटी स्कैन, जैसे स्कैन होता है देख सकते हैं उस स्कैन का कितना अच्छा तरीका से देख सकते हैं उसका जो एनिमेशन दिया गया है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, ठीक है। अगर आप लोग भी अच्छा लग रहा है तो जरूर आप इसका भी एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अगर हम बूस्ट करते हैं, ठीक है, चलिए बूस्ट कर देता हूँ। वो जैसे बूस्ट करता हूँ देख सकते हैं बूस्ट का भी एनिमेशन अच्छा तरीके से चेंज कर दिया गया है, जो बूस्ट अच्छा तरीके से चेंज कर दिया गया है। चलिए बैटरी एंड परफॉर्मेंस का आपको दिखाऊंगा, उसके पहले डीप क्लीन में दिखा देता हूँ डीप क्लीन में क्या क्या चेंजेस हुआ है। डीप क्लीन में तो वो चेंजेस नहीं है, जो था वही सेम एनिमेशन देखने को वो मिलता है हम लोगों को, लेकिन आपको एक चीज़ जो मिल जाएगा वो देख सकते हैं इस जगह में इसको ऐप आइकॉन का पूरा तरीके से चेंज कर दिया गया है। क्या इस जगह आप लोगों को सवाल होता है जो ऐप बिहेवियर मिला है, शायद अभी तक नहीं मिला है आप लोगों को, मैं दिखा देता हूँ। जैसे हम चला जाएंगे जो मैनेज ऐप्स में, वो मैनेज ऐप्स में जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो इसी जगह में अपडेट इंस्टॉल अनइंस्टॉल फाइंड ऐप्स और परमिशन यही हैं, और जो चेंजेस था ऐप बिहेवियर वो अभी तक नहीं दिया गया है इसके अंदर वो, ठीक है। तो इस जगह में सेम चीज़ वही है, लेकिन अगर हम चला जाएंगे जो बैटरी में, जैसे कि मान लो मैं अगर बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाता हूँ देख सकते हैं बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आ गया हूँ, और आने के बाद आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर भी मिल जाते हैं। वो देख सकते हैं इसको मैं चार्जिंग में लगाए हूँ और देख सकते हैं इसके एनिमेशन कितना तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और अल्ट्रा बैटरी सेवर में बहुत सारा फीचर्स आपको दिया गया है, जो सारी चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं अल्ट्रा बैटरी सेवर को इनेबल कर देता हूँ। वो जैसे इसको इनेबल करते हैं देख सकते हैं अल्ट्रा बैटरी सेवर रेस्ट्रिक्टेड मोस्ट पावर इनकोजमन फीचर एंड डिक्रीज योर डिवाइस परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू लिव बेसिक फंक्शनल either call SMS and connection to the network available as long as possible turn on ultra battery save। मतलब क्या बोल रहा है,
अगर इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, इनेबल करने के बाद ओनली फॉर कॉल एसएमएस एंड कनेक्शन नेटवर्क ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीज़ हमें ऐड भी कर सकते हैं। चलिए मैं ओके कर देता हूँ। वो जैसे ही ओके कर देता हूँ इस प्रकार से एक इंटरफेस आएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद देख सकते इसके इंटरफेस की कैसे हो गया, वो देख सकते इसके इंटरफेस इस प्रकार से आ गया है। ओनली फॉर कॉल आया है, कॉन्टैक्ट आया है, एसएमएस आया है, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट में क्लिक करता हूँ तो इस जगह किसी को कॉल भी कर सकता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ देख सकता है कॉन्टैक्ट का भी एक्सेस कर रहा हूँ और एसएमएस का भी एक्सेस कर सकता हूँ। और चलिए साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसी जगह में जो प्लस का बटन है, इस जगह क्लिक करने के बाद आप इस जगह में सिक्स ऐप्स को आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, इसको 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 इसी प्रकार अगर डन कर देता हूँ तो वो भी इस जगह में आ जाएगा। इसको भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और देख सकते हैं इसको भी इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर। साथ ही साथ आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको इनेबल कर देता हूँ अल्टा बैटरी सेवर को, उसी प्रकार आपको गूगल प्ले काम नहीं करेगा, वो थीम का काम नहीं करेगा, सारे डाटा को ऑफ कर देगा, बैकग्राउंड में जो होता था सारे चीज़ को ऑफ कर देगा। ये बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर मेरे को लगा। अगर अपना बैटरी का लेवल अगर 5% से कम हो जाता है, ऑटोमेटिक अल्ट्रा बैटरी सेवर चालू हो जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर मेरे को लगा है। अगर आप भी चाहते हैं सारे फीचर्स को इनेबल करना तो क्या करना, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि इस जगह में सारे एपीके का मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं और भी एपीके देने की कोशिश करूंगा। और भी बहुत सारा अपडेट आया है, लेकिन आज यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना, साथ ही दोस्तों का शेयर कर देना, और साथ ही साथ मेरा चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चले मिलता है अगले वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।